सो गाइस, आप सबको अगर ये सारे डेली व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं देन नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बता सकते हैं। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक दिवाली गिफ्ट मिला है एंड आई एम सो हैप्पी आफ्टर रिसीविंग दिस गिफ्ट। और ये जो गिफ्ट बॉक्स है ये भी काफी अच्छा लगा मुझे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। मेरी दीदी यहाँ पर ब्लूपर्स डाल रही है। आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग में और आज थोड़ा सा ट्विस्ट है क्योंकि हम लोग ज्यादातर शॉपिंग और बाहर जाना हम लोग लंच से पहले प्रेफर करते हैं, मतलब शावर लेने से पहले। लेकिन आज हम लोग लंच के बाद निकलेंगे बिकॉज ऐसे ही पास में हम लोग जाएंगे और यू कैन सी हेयर्स बहुत ही ज्यादा ऑयली है बिकॉज मैंने ऑयलिंग की है। और मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर भी करना था कैसे मैं और मेरी दीदी हम लोग शॉपिंग करेंगे बहुत दिनों बाद। सो जब मैं और मेरी दीदी दोनों एक साथ शॉपिंग में जाते हैं तो बहुत मस्ती होती है, हम लोग खूब सारा शॉपिंग करते हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऑल्सो अगर कोई गुड डील्स हमें मिल जाए तो वो भी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मम्मी और पापा का जो एनिवर्सरी है वो आ रहा है, दैट्स वाई हम लोगों ने सोचा कि उनके लिए गिफ्ट्स भी हम लोग आज ही खरीदेंगे। सो ये एक बहुत ही स्पेशल सा व्लॉग है। सो ये इंडक्शन आज हमारे घर पे आया है और ये हमने ऑर्डर किया था फ्रॉम फ्लिपकार्ट। सो लेट्स सी, इसे अनबॉक्स करेंगे और आप सबको दिखाएंगे कि कैसा है ये इंडक्शन। ये है फ्रॉम द ब्रांड पिजन। सो या यहाँ पर जो बटन्स दिए गए हैं ये सारे बटन्स ना फॉर शो है, ये सब लाइट्स हैं। मैंने मैनुअल तो अभी तक नहीं पढ़ा लेकिन हम लोगों के पास जो प्रीवियस वाला था वो बजाज का था एंड यहाँ पर जो भी बटन्स थे वो सब काम करते थे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो अगर आप में से किसी के पास भी ये मॉडल है तो आप लोग प्लीज अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। ऑल्सो मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ मास्क ऑर्डर की है, आप लोग देख सकते हैं इतने सारे मास्क। तो ये जो मास्क है ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में है। सो आउटफिट के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। पर्सनली मुझे इनका जो क्वालिटी है स्पेशली द येल्लो वन क्वालिटी काफी अच्छा लगा और बस दैट्स इट। और ये बहुत ही अफोर्डेबल मुझे पड़ा बिकॉज 200 रुपीज में 9 मास्क मुझे मिले, दैट ऑल्सो इन डिफरेंट कलर्स एंड ये N95 मास्क है और इसमें कोई वल्व नहीं है और जो नोज का जो पिन है वो भी काफी टाइट है और अच्छा है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। कब से कोशिश कर रही है और मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ उसे लेकिन वो फेल होती जा रही है। तो ये है प्रेयर फ्लैग्स जो दीदी लाई है कार के लिए और इसे हम लोग कार में ऐसे अटैच करेंगे। सो लेट्स सी हम सक्सेसफुल होते हैं या फिर फेल होते हैं। सो गाइज, हम लोग शॉपिंग करके घर आ चुके हैं और हमने बहुत सारी शॉपिंग की है, आप सबको अभी मैं दिखा देती हूँ। ये है मेरी दीदी का, ये प्योर पश्मीना का काम है, ये 3-पीस सेट है और इसका ये स्टोल है और आप लोग देख सकते हैं कि स्टोल का जो लेंथ है वो कितना
बड़ा है और काफी अच्छा है। इसमें जो वर्क है वो प्योर पश्मीना है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। ये सब 2000 के ऊपर का है बट इसका जो क्वालिटी है दैट सुपर। ये पूरा वुलन सेट है, वुलन थ्री पीस सेट है और हम लोग जिस दुकान पर गए थे वो कश्मीरी है। लोग हर साल इसी विंटर सीजन में कश्मीर से आते हैं और कश्मीर से पूरा ये सब कुछ कश्मीर का है ओरिजिनल। और ये हमारे यहाँ पर एक दुकान है जो हम लोग बचपन से जाते थे। ये दुकान इतना पुराना है कि मेरी मम्मी जब मम्मी के बचपन से वो जाती थी तो हम लोग भी अभी जा रहे हैं और वहाँ से हम लोग ज़्यादातर विंटर वेयर्स हम लोग खरीदते हैं। तो ये है एक स्टोल और ये जो थ्रेड वर्क है ये काफ़ी सुंदर है और अच्छे से इसका जो वर्क है वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। ये भी थोड़ा सा प्राइसी है एज़ कम्पेयर टू अ स्टोल लेकिन ये बहुत खूबसूरत है और बहुत बहुत वॉर्म भी होगा ये और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है। सो दिस इज़ आई थिंक ये सारे ही वर्थ बाय है। नेक्स्ट मेरी मम्मी का एक है जो मैं दिखाना चाहती हूँ। ये है मेरी मम्मी का थ्री पीस सेट है लेकिन ये रियोन है और इसलिए इसका जो स्टिच है वो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका वर्क है। फुल पूरा जो बॉडी का लेंथ है वहाँ पर ही पूरा ये वर्क जाएगा, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन ये 3500 के ऊपर है ये और इसे बनवाना पड़ेगा। सारे ही यू नो पीस है ये सब, इसको हमें बनवाना पड़ेगा। और ये है दुपट्टा, इसमें जो वर्क है ना कितना सॉफ्ट है और बहुत ही खूबसूरत है। अब है मेरी बारी। तो ये है मेरा वाला थ्री पीस सेट, मैंने थ्री पीस सेट लिया है। यू कैन सी इसका जो कलर है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसका जो कलर है वो मुझ पर कैसा लगेगा क्योंकि ये कलर मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है। और ये इसका जो वर्क है वो बहुत अच्छा है, पश्मीना वर्क है इसका और इसका स्टोल भी काफ़ी अच्छा है। इस स्टोल को मैं किसी भी अटायर के साथ में कैरी कर सकती हूँ, चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न हो। सो ये भी बहुत ही अच्छा है और ये वुलन में है। सो विंटर सीजन में कहीं पर अगर फंक्शन है तो मैं ये डेफिनेटली कैरी कर सकती हूँ। अब मेरे पापा के लिए भी कुछ है। बंगाली में इसे तूश बोलते हैं लेकिन कश्मीरी में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका क्वालिटी तूश है। तो ये कश्मीरी शॉल है। सो पापा के लिए बहुत अच्छा है ये स्पेशली और ये बहुत सॉफ्ट भी है और ये वुलन है, मतलब ये वॉर्म्थ भी देगा अच्छे से। सो ये दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी आई मस्ट से। इतने सारे शॉपिंग हम लोगों ने की है उसी सेम दुकान से। तो अगर आप मेरे एरिया के हैं और आपको इस दुकान का नाम जानना है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो भी नहीं है। और हाँ, अगर आपको इसी तरीके का और भी शॉपिंग वीडियोज़ वगैरह देखना है तो आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग। सो कल आप लोगों ने देखा कि हम लोग शॉपिंग पर गए थे और आज सुबह अभी 9:30 बज रहे हैं और दीदी चली जाएगी, दैट्स वाई मैं अभी हम लोगों का पैकिंग शैकिंग एंड ऑल चल रहा है। हम लोगों ने मेहंदी भी लगाए हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं हेयर कलर, मेरी दीदी का मैं हेयर कलर करूंगी। सो जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लेकिन उसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाई हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं। That's it for today's vlog. I hope आप सबको ये vlog पसंद आया है और अगर इसी तरीके के vlogs आप देखना चाहते हैं तो नीचे comment करके जरूर बताइए। Video को like कीजिए, share कीजिए and don't forget to subscribe to my channel. Hair color process आपने देखा है but hair color process fail हुआ या success हुआ वो आप मेरे जो detail video है वहाँ पर जाकर देख पाएंगे। और हाँ, next vlog आ रहा है, मैं ट्रैवल करने वाली हूँ कहीं पर, मी एंड माय सिस्टर। सो वो एक ट्रैवलिंग व्लॉग होगा, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो काफ़ी सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड। सो आज के लिए इतना ही, बाय। सो ये है हमारा फर्स्ट स्टॉप, एक पेट्रोल पंप ऑब्वियसली।